हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मेडीजी में। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के कट ऑफ की। मैंने यहाँ पे 2020 का कट ऑफ दे रखा है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉक राउंड का, विथ फीस के साथ। जिन कॉलेज की फीस रिवाइज हुई है, बढ़ी है, जैसे कि मणिपाल ग्रुप का फीस इंक्रीज हुआ है, 17.70 लाख हो गया। बट यहाँ पे एक और बदलाव है कि पहले फीस लगा करती थी 4.5 साल की, बट अब फीस ली जाएगी केवल 4 साल की। इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी पिम्स लोनी का फीस इंक्रीज हुआ है, वो मैंने यहाँ पे बताइए। कट ऑफ एग्जैक्ट कट ऑफ है लास्ट ईयर एमसीसी काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड का, तो आप लोग देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमदर्द नंबर 1 पे है और ये उसका कट ऑफ लिखा हुआ है, राउंड 1 584, राउंड 2 585, मॉप अप में नो सीट। केएमसी मणिपाल का फी इंक्रीज होकर 17.70 हो गया, बट अब जो फीस है वो आपका केवल 4 साल का लिया जाएगा। कट ऑफ इसका 575, राउंड 2 5722 एंड मॉप अप में 583 था। इसी तरीके से आप केएमसी बेंगलोर, सिम्बोसिस पुणे काफ़ी डिमांड में रहा था, उसका कट ऑफ 535 से शुरू हुआ था और मॉपअप में आप देख सकते हैं कितना उछाल आया था, 586 हो गया था। इसी तरीके से जेसस मेडिकल कॉलेज, केएस हेगड़े, पिम्स लोनी का फीस भी इंक्रीज हुआ है, कट ऑफ आप देख सकते हैं। इसके बाद के ये 9 कॉलेज स्लाइड में हैं। इसके बाद आप 10, 11, 18 नंबर तक यहाँ पे देख सकते हैं, मणिपाल टाटा का फीस भी इंक्रीज़ हो गया, मणिपाल ग्रुप का पूरा फीस इंक्रीज़ हुआ है और बाकी फीस अभी तक के इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। अगर कोई फ़ी अपडेट होगा वो भी आपको नोटिफिकेशन काउंसलिंग से पहले दे दिया जाएगा। यहाँ पे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे कट ऑफ फीस एनुअल फीस के साथ। मैंने इस फीस में कोई भी हॉस्टल और मैस चार्जेस इंक्लूड नहीं किए हैं। इसके बाद ये फ्रेंड्स 18 नंबर तक हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं 19 to 27, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फीस जो है वो एनुअल फी है आपकी। इसके बाद इसमें कोई भी हॉस्टल मैस चार्ज इंक्लूड नहीं है। राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉपअप का ये पूरा कट ऑफ दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद 27 तक हो चुका है और 29 से 36 तक का कट ऑफ इस स्लाइड में दिया गया है, आप पूरा इसको भी देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद लास्ट स्लाइड आप आ जाइए, 37 to 46, अभी इसके बाद भी 2 कॉलेज हैं, आप देख सकते हैं कि जस्ट कट ऑफ पे श्री लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट 21,50,000 फीस के साथ था और जस्ट कट ऑफ पे ये कॉलेज मिल गया था मॉपअप राउंड में। इसके बाद ये 2 कॉलेज और बचे हैं और ये कॉलेज भी आपको जस्ट कट ऑफ पे मिल गए थे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस साल क्या हो सकता है। तो जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ की कुछ डाउन होने की उम्मीद है, देखते हैं कितना डाउन होता है। कोई 10 मार्क्स बोल रहा है, कोई 20 मार्क्स बोल रहा है, पर मुझको नहीं लग रहा है कट ऑफ का इफेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज पे तो पड़ेगा, बट उसका इफेक्ट डीम्ड पे नहीं पड़ेगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका बजट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके जिस टाइप के मार्क्स आए हैं। अगर आप जस्ट क्वालिफाई होने वाले हैं तो ये आपका बजट रह सकता है, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो थोड़ा सा बजट कम हो सकता है, पर एक्चुअल में डीम्ड में बजट ज़्यादा कम होने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि आप फीस को मैं दोबारा आपको दिखा दूँ कि नंबर 1 डीम्ड है हमदर्द, हमदर्द का फीस भी इंक्रीज़ हुआ है, 14 लाख हो गया। अब देखना ये है कि हमदर्द के कट ऑफ पे इस फीस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कट ऑफ इसी के पास आसपास रहेगा या 550 के आसपास आ जाएगा, देखते हैं। रियल काउंसलिंग फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और ये वीडियो पूरा देखने के लिए। आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।